अपने देश वास्ते अपनी जान कुर्बान कर दी। छोटी उम्र 22 साल आपां नूं छड्ड के गए पर एक मिसाल बन के गए है। जो उन्हां दी कुर्बानी है सानू सारे कौम नूं सारे देश नूं उन्हां ते माण है, क्योंकि शहादत देनी कोई इन्नी सौखी गल नहीं, कहना सौखा है, पर पूरा परिवार तुसीं अपने परिवार कुर्बान करता, सारा जिंदगी अपने कुर्बान करनी बहुत वड्डी गल है। तो अज श्रद्धांजलि भेंट करने वास्ते मैं आया, तो मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी को बेनती करना चाहना है कि जिन्हें भी शहीद परिवार है उन्होंने सारे आपां बांह फड़न की लोड़ है, उन्हें साथ देने की लोड़ है। तो घट तो घट हर परिवार के नाते कोई यादगार जरूर होए तो शहादत ही याद रह सके। तो मैं पंजाब के मुख्यमंत्री जी को बेनती करूँगा कि जिहड़ा पिंड है उन्हां दा जो नगर है इस नगर जिहड़ा स्कूल है इस नूं उस शहीद के नाम ते कीता जाए, अपग्रेड भी किया जाए तो उस नाम ते किया जाए। एक शहीद दे याद शहीद गुरविंदर सिंह याद इतने बहुत वधिया स्टेडियम भी बनाया। सुबीर जी जिवें ये हमला होया चाइना वालों देश दे 20 जवान शहीद होए ने, ये पूरी तस्वीर नूं किवें देखदे हो? चाइना कितने ना कितने साजिश के तहत उसने हमला किया देश ते। देखो चाइना का जरा पिछले कई साल तो मैं देख रहा है हर देश ना कोई पंगा ले जाते हैं, तो उन्होंने कोशिश रहती है कि अपने आप को ज्यादा ताकतवर करना, पर चाइना नु पता नहीं कि हिंदुस्तान की शक्ति बारे। तो मैं सानू मान है कि अपने देश की अगुवाई श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे, स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है। तो चाइना नूं पता होना चाहिए कि स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर का मतलब की होंगे। सुखबीर जी कैप्टन साहब सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर नहीं दिता गया, केंद्र सरकार से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैं कैप्टन साहब नूं बेनती करता है कि आ टाइम कोई सियासत खेडन का नहीं, देश की आर्मी नूं देश की जनरल्स नूं पता है किस मौके पर की करना चाहिए। ना कैप्टन साहब उत्ते सही, ना उन्होंने पता है, ना उन्होंने एंगेजमेंट का रोल पता है। मैं बेनती करा कि इस मौके अपन सियासत नहीं करनी चाहिए, सारे कैप्टन साहब न सारी पार्टियां सारे देशवासियों अपा देश के प्रधानमंत्री के मगर ते देश की फौज के मगर खड़ के अपा पूरा सपोर्ट करिए, क्योंकि उन्होंने बेहतर पता है हर सिचुएशन का किमें टैकल करना। आप इतने बैठे अ कमेंट करी जाइए तो माड़ी गल। सताल जे तुसी कैनेडा स्टूडेंट वीजे ते जाना चाहते हो पर आइल्स विच ओवरऑल तो 6 आ गए, एक विच 5.5 बैंड करके डरते हो, जा कैनेडा दा स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज़ करवा बैठे हो, या स्टडी गैप ज़्यादा होने करके सोचते हो कि कित रिफ्यूजल ना आ जाए, तो अज ही पिरामिड ई सर्विसिज़ नू मिलो और कैनेडा जाने अपने सुपने नू साकार करो।